जी बताइए। ये चूँकि लोग बहुत ये बोलते हैं एक बात कि मशीन ये बहुत कॉस्टली है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं खुद भी ये सवाल काफ़ी सुनती हूँ कि ये मशीन बहुत कॉस्टली है। पर मेरा उनसे एक ही सवाल है कि जब हम एक अच्छी कार लेते हैं या एक अच्छे हॉलिडे पे जाते हैं एंड ये सब हम कुछ अपनी फैमिली के लिए करते हैं, तो वो चीज़ लेनी जो पूरी फैमिली को एक हेल्थ बेनिफिट देती है, वो कॉस्टली कैसे आपको लगती है? एक ऐसी चीज़ जो आपकी हर एक डिजीज़, हर एक वाई ओनली डिजीज, मतलब इट्स गोना टेक केयर ऑफ योर हेल्थ थ्रू आउट, लाइक हैविंग अ परमानेंट सोल्यूशन टू ऑल योर अपकमिंग हेल्थ इश्यूज। दिस थिंग कैन नॉट बी एक्सपेंसिव, इट्स अ मिथ, कंप्लीटली अ मिथ। जब आप कार लेते हैं, आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, सबके कंफर्ट के बारे में सोचते हैं, सो ये हेल्थ इज दी प्रायोरिटी ऑफ ईच वंस लाइफ। आपके घर के हर एक मेंबर की हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि आप उनको एक कार गिफ्ट किए, उसे डिले करें और इस मशीन को पहले लें। कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। पैसे नहीं, जब आप कार फाइनेंस करते हैं या सडनली कोई हेल्थ इश्यू आता है, लेट्स नॉट यू नो कम ऑन टू लग्जरी थिंग्स, हम उस तक की वेट क्यों करते हैं कि हमारे लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आए जब हमें सडन हॉस्पिटलाइजेशन देखना पड़े एंड तब हमें पैसों का अरेंजमेंट करना ही पड़ता है, तो इसके लिए क्यों नहीं? वो देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। दैट मीन्स अगर हम पहले से ही अपने आप को हेल्दी रखेंगे एंड हेल्थ कॉशियस रहेंगे चीज़ों को लेके, हमें इन चीज़ों की हॉस्पिटलाइजेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड डेफिनेटली इसकी कॉस्ट एक आईसीयू के 4 डे के स्टे से कम है, आप उसे कैलकुलेट करके देखिए ना। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल इररिलेवेंट सी बात है कि इस मशीन की कॉस्ट ज़्यादा है। इट इज़ ऑल अबाउट योर प्रायोरिटी एंड योर फैमिली एंड नथिंग एल्स। थैंक यू मैडम। थैंक यू।